नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कोरोना पूरे देश में एक बार फिर से पैर पसारने लगा है और अब हालात तो ये हो गए हैं कि कोरोना की पहुंच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई है, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ बीते दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर दिया। वहीं उनके लिए SGPI के राजधानी कोविड हॉस्पिटल में बेड भी आरक्षित कर दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें वहां भर्ती कराया जाएगा। साथ ही उनकी तबीयत की पल पल की खबर डॉक्टरों की टीमें ले रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बगलामुखी मंदिर में मिर्ची यज्ञ शुरू कर दिया गया है। ये यज्ञ 9 दिनों तक चलेगा। नाथ समुदाय से ताल्लुक रखने वाले संत योगी की कोरोना संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य कामना के लिए उज्जैन के बगलामुखी मंदिर में मिर्ची यज्ञ किया जा रहा है। भैरवगढ़ मार्ग पर मां बांगला मुखी मंदिर के इस यज्ञ में तितली, खड़ी लाल मिर्च और घी, नमक, सरसों तेल का प्रयोग किया जाएगा। उज्जैन थरथरी गुफा और मां बांगला मुखी मंदिर के गद्दीपति पीर योगी रामनाथ ने बताया कि ये यज्ञ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहतर स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस यज्ञ में कई क्विंटल खड़ी लाल मिर्च का प्रयोग किया जाएगा। योगी रामनाथ ने बताया कि ऐसे यज्ञ किसी के बेहतर स्वास्थ्य और जन कल्याण कामना के लिए किए जाते हैं। फिलहाल सीएम योगी के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों की टीमें मुस्तैद हैं और इसके साथ साधु संत भी योगी के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ये यज्ञ किया है। माँ बगलामुखी माता का है यह मंदिर, माँ पितेंगरे माता है, यहाँ पर हवन करते हैं। 9 दिवस से रोज शाम को हवन करते हैं। फिर विशेष करके माँ योगी महाराज जी का, हमारा नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष है, तो महाराज जी का भी आज उनके कोरोना लक्षण पा गया था। फिर उनको उसे संकल्प द्वारा उनका हवन करा गया था कल रात को भी, आज भी। फिर उसमें मिर्ची, लाल मिर्ची है, नींबू है, सरसों है, पीली नमक, कौन से महाराज जी? हमारा योगी जी आदित्यनाथ जी है, मनाथ संप्रदाय के अध्यक्ष है, इसलिए फिर महाराज जी के जल्दी जल्दी से ठीक होने इनके कारण इसलिए हवन कर। क्या होता है महाराज जी यज्ञ से? यज्ञ से रोग निवारण का होते, शत्रुनाथ के रोग निवारण के लिए हवन करा जाते लाल मिर्ची से। वहाँ भगवान की माता के तेंगरे माता का इनके हवन इस प्रकार से करा जाते, जैसा आपने देखा। 9 दिवस के रोज नवरात्रि 9 दिन तक पूरी रोज सलंग पूजा अर्चना रहते, माँ श्री अंतर पे अर्चना करेंगे, कुमकुम द्वारा अर्चना रहते, हवन भी करते। इस प्रकार यज्ञ में कोरोना की समाप्ति को लेकर भी आहुति दी जा रही है। हाँ, देश में सभी सुरक्षित रहे इसलिए हम आहुति भी लोग कल्याण के लिए भी करते। कोरोना महामारी बड़ी भी कम हो, इसी के लिए दूर होने के लिए जल्दी से जल्दी। कौन सा हवन था, कौन से मंदिर में, अच्छा क्या विशेष महत्व होता है? माँ बगलामुखी माता का है यह मंदिर, माँ पितेंगरे माता है, यहाँ पर हवन करते हैं। 9 दिवस से रोज शाम को हवन करते हैं। फिर विशेष करके माँ योगी महाराज जी का, हमारा नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष है, तो महाराज जी का भी आज उनके कोरोना लक्षण पा गया था। फिर उनको उसे संकल्प द्वारा उनका हवन करा गया था कल रात को भी, आज भी। फिर उसमें मिर्ची, लाल मिर्ची है, नींबू है, सरसों है, पीली नमक, कौन से महाराज जी? हमारा योगी जी आदित्यनाथ जी है, मनाथ संप्रदाय के अध्यक्ष है, इसलिए फिर महाराज जी के जल्दी जल्दी से ठीक होने इनके कारण इसलिए हवन करेंगे। क्या होता है महाराज जी यज्ञ से? यज्ञ से रोग निवारण का होते, शत्रुनाथ के रोग निवारण के लिए हवन करा जाते लाल मिट्टी से। वहाँ भगवान की माता के तेंगरे माता का इनके हवन इस प्रकार से करा जाते, जैसा आपने देखा। 9 दिवस के रोज नवरात्रि 9 दिन तक पूरी रोज सलंग पूजा अर्चना रहते, माँ श्री अंतर पे अर्चना करेंगे, कुमकुम द्वारा अर्चना रहते, हवन भी करते। इस प्रकार यज्ञ में कोरोना की समाप्ति को लेकर भी आहुति दी जा रही है। हाँ, देश में सभी सुरक्षित रहे इसलिए हम आहुति भी लोग कल्याण के लिए भी करते। कोरोना महामारी बड़ी भी कम हो, इसी के लिए दूर होने के लिए जल्दी से जल्दी सबको अच्छे सुरक्षित रहे देश में सभी। आपको बता दें कि भारत में बेकाबू कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2,00,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में लॉकडाउन भी लगाया गया है। अब देखना होगा कि कोरोना की रफ्तार कब जाकर थमेगी। इस खबर में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़ MP। धन्यवाद।